दोस्तों, ये स्मार्ट करियर पॉइंट में आप सभी लोगों का स्वागत करता हूँ। आज एक बहुत महत्वपूर्ण न्यूज है जो कि शायद बहुत अच्छा नहीं है, लेकिन फिर भी जो मेरे को अभी न्यूज लेटेस्ट में अभी आपके सामने दिख जाएगा, मैं आपको बता रहा हूँ कि ये है कि MPPSC जो 19 जून को होने वाला है पेपर, उसमें लीक होने की संभावना हो गई है। क्योंकि देखिए, इसमें जो साफ साफ ये लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं, इसमें साफ साफ ये लिखा है दोस्तों, इसमें साफ साफ ये लिखा गया है कि 2019 जून को जो पेपर होने वाला है, ठीक है, 2019 जून को जो पेपर होने वाला है, उसमें ये बता दिया गया है कि MPPSC शेड्यूल्ड कलेक्टर के द्वारा ये कहा जा रहा है, इसमें जो आपके इसमें लिखा हुआ है, अगर ये बात सही हुई तो बेटा दिक्कत है। तो ये बताया गया कि कौन कौन किस किस व्यक्ति का कौन कौन व्यक्ति का ड्यूटी लगी है जो इंदौर पेपर लेने जाने के लिए, और कब आएंगे, कैसे आएंगे, ये सब बातें लीक हो गई, जबकि इसको गोपनीय रखी जाती है। तो इसलिए हो सकता है बेटा कि जब ये सब बातें लीक हो गई हैं, अगर ऐसा रहा तो उन लोगों के लिए भी बड़ी खतरे के विषय बन जाएगा जो जो अधिकारी इसमें जुड़े हुए हैं। दूसरी बात यह है कि ऐसा तो होना ना चाहिए, लेकिन क्या ये हो सकता है, क्या पेपर लीक हो सकती है, ये अब केवल एक प्रश्न है जो कि इस न्यूज़ में जो हमें दिखाई दिया उसके हिसाब से हम बात कर रहे हैं। हो सकता है कि ये गलत भी हो सकता है तो अच्छी बात है, अगर ये सही हुआ तो ओरिजिनल हम सभी को लिए प्रॉब्लम हो सकता है। ठीक है, ऐसी मैं तो यही कहूँगा कि अगर ये सही है तो ऐसे ही अधिकारियों को ये दिमाग में रखना चाहिए, इस बात को ध्यान रखना चाहिए कि ऐसे से जुड़ी हुई सभी बातें, बहुत लोगों की कैरियर छिपा हुआ है, ऐसी बातों को लीक नहीं होना चाहिए। लेकिन अगर ये सही बात हुई तो फिर ये तो लीक ही कहलाएगी, अगर नहीं हुई तो फिर देखते हैं। अब आगे लेटेस्ट न्यूज़ आपको ऐसे प्राप्त करना है तो आप हमसे जुड़े रहिए, आगे हम बताते जाएंगे। ठीक है, थैंक यू।